हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ईश्वर की तलाश में निकले हैं। आज हम आपको बताएंगे असली ईश्वर कौन है और इस ब्रह्मांड को किस ईश्वर ने बनाया और ये ब्रह्मांड को कैसे बनाया। आज हम चलते हैं ईश्वर के इस अनंत सफर में, जो दुनिया का सबसे कठिन सफर है, जो आज तक किसी ने भी नहीं प्राप्त कर सका और ना किसी ने ईश्वर की तलाश कर सका। आज हम उसी तलाश में निकलते हैं और इस तलाश को हम जारी रखेंगे। आप चलते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा यूनिवर्स, बताओ सब कुछ कैसे नियंत्रित हो रहा है और ये सब कुछ कैसे चल रहा है। और अगर ईश्वर नहीं है, इतना सब कुछ संतुलन में कैसे है और इस संसार इतना संतुलन में कैसे चल रहा है। अच्छाई बुराई पाप पुण्य यहाँ पे सब कुछ है। जैसा लग रहा है इस सारे संसार को किसी ने बनाया है। और अगर ईश्वर है तो ईश्वर कहाँ पे है। अगर हम एक थ्योरी देते हैं, मात्र एक थ्योरी है, जैसे आपने एक मूवी देखी है फ्री गाय नामक सिटी, जिसमें मूवी में दिखाया गया, उसमें उस मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर हीरो था उसमें दिखाया गया है, वो एक गेम के अंदर रहते थे, सब अपना किरदार निभाते थे। गेम के अंदर लोगों को नहीं पता था कि असली दुनिया है कि नकली दुनिया है। उन्हें हमेशा लगता था कि यह असली दुनिया है और उन लोग को कभी भी नहीं पता लगा उस गेम के अंदर कि वह एक असली दुनिया नहीं है, वह एक नकली दुनिया है। उन लोग को हमेशा लगता था यह असली दुनिया है, वही जो मेन कैरेक्टर हीरो था। अगर हमको कोई बनाया होगा तो हमको कभी भी नहीं पता लगेगा कि असली दुनिया कौन है और किस ईश्वर ने, किस देवता ने हमको बनाया है। वैसे हमको प्रोग्राम ही किया जाता है कि हम देखो जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है, हम वही काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। हम एक इंसान की तरह वही काम कर रहे हैं, उठो खाओ पियो सो जागो और फिर चले जाओ इस दुनिया से, वही काम कर रहे हैं और ज़िंदगी हम लोग पे बीत रही है। वही काम कुत्ता कर रहा है जो उसका काम है भूखो लड़ो और मर जाओ, वही काम शेर कर रहा है, वही काम भैंस कर रही है। एक ही तरीके से जैसे लग रहा है संसार एक प्रोग्राम पे चल रहा है और ये संसार को किसी ने बनाया है और हम किसी गेम के अंदर है। मैं इसको सिद्ध नहीं करना चाहता हूँ, हो सकता है गेम के अंदर हो या ना हो, इसको मैं कैसे बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी अभी तक नहीं पता पाया हूँ। अगर मैं पता पाता तो आपके लिए वीडियो थोड़ी ना बनाता। आप समझ सकते हैं कि अगर हम गेम के अंदर होंगे तो हमको कैसे पता लगेगा और असली ईश्वर क्या हम जैसा होगा। जैसे अगर भैंस का ईश्वर होगा तो भैंस जैसा वो लोग सोचेंगे, ऐसे में भैंस होंगे या उनके सींग होंगे, ऐसे ऐसे भैंस वाले ईश्वर सोचेंगे भैंस है। कुत्ते का ईश्वर सोचेंगे कुत्ता अपने जैसा ईश्वर सोचेंगे, वैसे इंसान अपने जैसा ईश्वर सोच रहे हैं निकलो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम इंसान को दिखाई दे रहे हैं इंसान जैसे, और हम वह कल्पना में बना रहे हैं, फिर भी वह उस प्रकार से ईश्वर नहीं है। ईश्वर इस प्रकार से होंगे जो अनंत होंगे और हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते ईश्वर कैसे होंगे और हमें क्यों बनाए हैं और किस मकसद के लिए हम लोग को धरती पे बनाए और इस ब्रह्मांड को कैसे बनाए हैं और किस लिए बनाए हैं। हम ईश्वर के तलाश में निकले हैं, एक न एक दिन ईश्वर हमको मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें रहें। इसमें मैं सारे मंत्र सारे दिव्य वीडियो को लाइक करते हैं।